हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज हम लोग के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। और मतलब यार क्या ही बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस थैंक यू सो 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 मच। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मोनोफेजिक एंड बायफेजिक लिक्विड्स डोजेज फॉर्म, जो कि हमारी फार्मास्यूटिक्स यूनिट 3 का टॉपिक है। और मुझे पता है कि आप लोग इनऑर्गेनिक और एनालिसिस के लिए वेट कर रहे हो। देखो उसके लेक्चर्स आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक को हम लोग जो है साथ में ही कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। बट आज से हम लोग जो है फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे अपने मोनोफेजिक लिक्विड्स के बारे में, ठीक है। यानी इसके अंदर हमारे जितने भी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमारे सिरप, इलेक्जर्स, लिंक्टन, लोशन, लिनिमेंट्स, गार्गल्स, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप्स, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आज एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। यानी हमारा मोनोफेजिक लिक्विड्स आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बाईफेजिक लिक्विड्स के बारे में। तो चलो यार, बातें बहुत सारी हैं, होती रहेंगी, और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कॉपी और पेन लेके तो बैठ ही जाना, ठीक है, अब उसको बार बार बोलने की जरूरत तो है नहीं। तो चलो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे मोनोफेजिक लिक्विड्स डोजेज फॉर्म के बारे में। तो ये हमारी ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन होती है। देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मोनोफेजिक और बाईफेजिक लिक्विड्स के बारे में मैंने आप लोग को लिक्विड डोजेज फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर कुछ आइडिया नहीं है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। बस बाकी अगर सिंपली जानना है तो इतना समझो कि मोनोफेजिक नाम से, मोनो मतलब क्या है, सिंगल, फेजिक मतलब क्या है, फेस। यानी कि ये हमारी ऐसी लिक्विड्स होते हैं जिसके अंदर हमें सिंगल फेस देखने को मिलती है। अब देखो सिंगल फेस का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे आप ये समझो कि आप लोग जब चीनी को पानी में मिक्स करते हो या फिर नमक को पानी में मिक्स करते हो, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, हमें जो है नमक उसी में मिल जाता है और हमें जो है एक सिंगल फेस देखने को मिलती है। देखो नमक अलग तो रहता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि जब आप लोग नमक को पानी में मिलाते हो तो नमक जो है हमें अलग से दिखता है, पानी अलग दिखता है, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें जो है एक सोल्यूशन देखने को मिलता है सिंगल फेस में, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे सिंगल फेस या फिर मोनोफेजिक लिक्विड्स डोजेज फॉर्म बोलते हैं। और वहीं पे बाईफेजिक की बात करें तो अगर मान लो पानी में आप लोग तेल मिलाओ, ठीक है, या फिर पानी में आप लोग जो है रेत, ठीक है, अपने बालू के पार्टिकल्स मिलाओ, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि वो मिक्स नहीं होंगे और हमें जो है दो अलग अलग फेस देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे वो हो जाते हैं हमारे बाईफेजिक। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अपने मोनोफेजिक लिक्विड्स के बारे में। तो आई होप कि यार आप लोग को थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमारा जो ये टॉपिक है इसमें हमें कुछ मतलब एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है, या फिर आप कह सकते हो क्लासिफिकेशंस के बारे में, जो कि हमारी मोनोफेजिक लिक्विड्स के बारे में। तो देखो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड्स बेसिकली दो टाइप में डिवाइड है, ठीक है। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि पहला है हमारा लिक्विड फॉर इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या है, अंदर लेना, ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग जो है अपने माउथ से अंदर लेते हैं वो हमारे लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज होते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हो हमारा सिरप हो गया, इलेक्जर हो गया, लिंक्टस हो गया। तो सिरप को क्या, सिरप को हम लोग अपनी बॉडी के ऊपर तो यूज नहीं करते, हम लोग पीने के काम में लेते हैं ना, तो हमारा लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज में आ गया। और लिक्विड्स फॉर एक्सटर्नल यूज, जैसा कि नाम ही है एक्सटर्नल, यानी कि हम लोग अपनी बॉडी के ऊपरी लेयर पे इसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसमें हमारे तीन पार्ट है, ठीक है, तीन सब पार्ट है, जिसमें पहला है हमारा फॉर स्किन, दूसरा है फॉर माउथ एंड तीसरा है फॉर बॉडी कैविटी। तो फॉर स्किन, स्किन मतलब क्या, हमारी जो त्वचा है यानी हमारी जो ऊपरी लेयर है। तो स्किन में जैसे हमारा हाथ हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, ठीक है, जो भी है, तो वहाँ पे जो भी जैसे हमारा बॉडी लोशंस वगैरह होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारे लोशंस हो गए, लिनिमेंट्स हो गए, और फॉर माउथ। अच्छा देखो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होना, अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार माउथ वॉश को तो हम लोग अंदर लेते हैं तो ये एक्सटर्नल में कैसे आ गया। तो देखो माउथ वॉश को माना कि आप लोग अंदर लेते हो लेकिन उसके बाद बाहर स्पिट कर देते हो ना, तो वहाँ पे क्या करते हो कि माउथ वॉश जो है हमारे मुंह के अंदर तो जाता है लेकिन फिर बाहर आ जाता है। यानी आप लोग कह सकते हो कि हम लोग उसको अंदर नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा जो है लिक्विड फॉर एक्सटर्नल में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे गार्गल्स हो गया, माउथ वॉश हो गए, थ्रोट पेंट्स हो गए। और फॉर बॉडी कैविटी की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारे बॉडी कैविटी, ईयर, आई, ठीक है। अब देखो बॉडी कैविटी के बारे में हम लोग HAP में और यूनिट 4 यानी कि सपोजिटरीज में बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बट अभी आप लोग समझ लो जैसे हमारा आई ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, नेजल ड्रॉप हो गया, एनिमास हो गया, तो इन सब के बारे में हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिरप की। तो देखो सिरप को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि अक्सर एग्जाम में सिरप को पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन की इसकी, तो सिरप हमारे स्वीट विस्कस कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होते हैं सुक्रोज का प्योरीफाइड वाटर में। यानी कि सिंपली बात करें तो सुक्रोज को जब हम प्योरीफाइड वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो हमारा सिरप होता है।
अब सिरप हमारे जनरली मीठे होते हैं क्योंकि हमारा जो सुक्रोज है ये एक स्वीट सब्सटेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद ये विस्कस भी होते हैं, यानी कि ये थोड़ा गाढ़ा सोल्यूशन होता है। क्यों गाढ़ा होता है? क्योंकि जो सुक्रोज है, ठीक है, वो कंसेंट्रेटेड अमाउंट में होता है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हम लोग इसको पानी में मिलाते हैं तब जाके हमारा सिरप तैयार होता है, और इसीलिए ये यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा भी होता है, ठीक है, और मीठा भी होता है। अब जनरली बात करें तो जो हमारा आईपी होता है, यानी कि जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया होता है, उसमें हमारी सिरप की कंसेंट्रेशन अलग होती है, और जो हमारा यूएसपी होता है, यानी कि जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया होता है, वहाँ पे हमारे सिरप की कंसेंट्रेशन कुछ अलग होती है। अब देखो इसको जो है मतलब एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था जो कि मुझे नहीं आता था, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना कि आईपी में क्या होता है। कि आईपी में सिरप की कंसेंट्रेशन होती है 66.7% वेट बाई वेट, ठीक है, और यूएसपी में क्या होती है 85% वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो नंबर्स भी अलग हैं, यहाँ पे 66.7% है और यहाँ पे 85% है, और जो यूनिट्स है वो भी अलग है, यहाँ पे वेट बाई वेट में है, यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम में है। तो वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ कि 66.7 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम वाटर में प्रेजेंट होगा, और 85% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि 85 ग्राम सुक्रोज 100 ml वाटर में प्रेजेंट होगा। अब देखो अगर आप लोगों को कंसेंट्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग हमारा कंसेंट्रेशन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाला वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सिरप होता है वो बेसिकली हमें तीन टाइप में देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है हमारा सिंपल सिरप, दूसरा होता है फ्लेवर्ड, एंड थर्ड होता है हमारा मेडिकेटेड। तो पहला जो सिंपल है इसमें बस सिंपली जो सुक्रोज है उसको पानी में मिला दो तो हमारा सिंपल सिरप तैयार हो जाता है। यानी सिंपली अगर बात करें तो मान लो आप लोग अपने घर में चीनी को पानी में मिला के जो सोल्यूशन तैयार करते हो तो वो भी एक टाइप का सिरप ही है, जिसको हम लोग सिंपल सिरप कह सकते हैं, ठीक है। और फ्लेवर्ड सिरप की बात करें तो इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं लेकिन मेडिकामेंट यानी कोई मेडिसिनल एजेंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसको बहुत ही सिंपली समझ सकते हो कि बाजार में जो रूअबजा वगैरह मिलते हैं तो उसमें अलग अलग फ्लेवर रहते हैं ना, तो वो भी हमारे एक टाइप के सिरप कह सकते हो आप लोग, ठीक है, तो वो हमारे फ्लेवर सिरप हो जाते हैं। और थर्ड और जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो आप लोग जिसको आप लोग एक्चुअल सिरप के नाम से जानते हो, वो है हमारा मेडिकेटेड सिरप। तो इसमें क्या होता है, मेडिसिनल एजेंट यानी कि कोई ऐसा एजेंट होता है जो किसी बीमारी को ठीक करता है, यानी कि जो हमारे कफ सिरप वगैरह होते हैं, जैसा आप लोग को पता है जो हमारा जैसे पैरासीटामोल सिरप हो गया, बेनेड्रिल हो गया, ठीक है, और डाइजीन वगैरह आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, जैसे टॉरेक्स कफ सिरप, ठीक है। तो ये सारे जो सिरप होते हैं वो हमारे मेडिकेटेड सिरप होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप की, यानी सिरप को बनाने के लिए यहाँ पे कौन कौन से मेथड हैं। अब देखो सिरप को हम लोग थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन 7 नंबर में या फिर 5 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बेसिकली तीन मेथड हैं, जिसमें पहला है हॉट प्रेस या फिर एजिटेशन विद हीट मेथड, दूसरा है परकोलेशन मेथड, एंड थर्ड है हमारा एजिटेशन विदाउट हीट मेथड। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मेथड की, तो ये है हमारा हॉट प्रेस। तो देखो जैसा इसका नाम है हॉट प्रेस, यानी कि इसमें कुछ हीट वगैरह का यूज होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हीट लेवाइल या फिर हीट सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हीट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हमारा सिरप जो बना रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है तो वो यहाँ पे अगर हीट सेंसिटिव नहीं है, यानी कि उसको हीट से कोई नुकसान नहीं है, तब हम लोग इस वाले मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो हमारा सुक्रोज होता है उसको हम लोग जो है वेट कर लेते हैं और उसके बाद अपने बीकर में ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद बीकर में हम लोग प्योरीफाइड वाटर को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हमारा एक वाटर बाथ होता है। तो आप लोग जब अपने लैब में जाओगे तो आप लोग को वाटर बाथ देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर हम लोग इसको हीट कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें हम लोग जितना हमें अमाउंट चाहिए होता है उतना जो है मिला के, ठीक है, उसके बाद फाइनल वॉल्यूम उसका प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो मुझे पता है कि थोड़ा सा मतलब इसमें और भी प्रोसीजर होते हैं, बट हम लोगों ने बहुत ही सिंपली देखा है, बाकी इसमें जब आप लोग एक्चुअल में बनाओगे तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें सेकेंड मेथड की, तो ये है हमारा परकोलेशन। अब देखो ये वाला होता क्या है कि हमारा एक डिवाइस होता है परकोलेटर, ठीक है। तो यार देखो परकोलेटर आप लोग जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में इसको आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। देखो ये डिवाइस की अपने आप में एक बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बस सिंपली थोड़ा समझ लेते हैं कि परकोलेटर में सबसे पहले हम लोग जो है सुक्रोज को ऐड करें मतलब प्लेस करेंगे, यानी परकोलेटर में सुक्रोज को रखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वाटर को पास करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है सफिशियंट अमाउंट में अपने प्योरीफाइड वाटर को ऐड करके फाइनल वॉल्यूम उसका प्रिपेयर कर लेंगे।
और वहीं बात करें हम लोग अपने थर्ड मेथड की, तो ये है हमारा एजिटेशन विदाउट हीट। ठीक है, तो जहाँ पे देखो क्या है, विदाउट हीट, तो ये वाला जो मेथड है हम लोग ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जिनको हीट से नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली हम लोग जो सुक्रोज है और जो भी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले वेट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें प्योरीफाइड वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपना फाइनल वॉल्यूम प्रिपेयर कर लेते हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे एडिटिव्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप की, तो हम लोगों ने देखा था एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म में कि कितने सारे एक्सीपिएंट्स को हम लोग ऐड करते हैं एक लिक्विड डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए। तो सिरप हमारा क्या है, सिरप हमारा भले ही मोनोफेजिक है लेकिन है तो लिक्विड डोजेज फॉर्म ही, तो इसमें भी हमारे एक्सीपिएंट्स यूज हो रहे हैं। तो वही है सिंपल कि इसमें हमारा व्हीकल यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें व्हीकल में प्योरीफाइड वाटर को मतलब यूज करते हैं व्हीकल के फॉर्म में। और केमिकल स्टेबलाइजर की बात करें तो जैसे हमारा सिरप है तो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी सिरप हमारा ख़राब ना हो, उसके लिए हम लोग जो है ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और भी बहुत सारे होते हैं उन सबको यूज करते हैं। और कलरिंग एजेंट्स की बात करें तो सिरप को एक अच्छा सा कलर देने के लिए हम लोग जो है कुछ डाई का यूज करते हैं, जो कि हमारा अमरनाथ हो गया, टार्टाराजाइन हो गया। और फ्लेवरिंग एजेंट्स की बात करें तो हम लोग अपने सिरप को अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए लेमन, जिंजर, ऑरेंज, इन सारे फ्लेवर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो यहाँ पर देखो जो सिरप होता है वो जनरली हमारे सेल्फ प्रिजर्वेटिव होते हैं, यानी सिरप के अंदर जब हम लोग यहाँ पे मेडिकेटेड सिरप बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग जो है कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का जनरली यूज करते हैं जो जो है उसको सेल्फ प्रिजर्वेटिव बना देते हैं। ठीक है, यानी इसमें अलग से हमें प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि हमारे 2-3 ऐसी दवाओं का नाम बताइए जो सेल्फ प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो सिरप उनमें से एक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पैकिंग और स्टोरेज की बात करें तो जो हमारा सिरप होता है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है यार कि उसको हम लोग जो है वेल क्लोज्ड ग्लास बॉटल में पैक करते हैं। ठीक है, कभी कभी प्लास्टिक बॉटल में भी सिरप को पैक कर दिया जाता है। और स्टोरेज की बात करें तो हम लोग इसको एक कूल डार्क प्लेस में स्टोर करते हैं। तो देखो अगर सिरप जो है 7 नंबर में पूछा गया या फिर 5 नंबर में पूछा गया तो आप लोग को इतना लिख के आना है। ठीक है, अब देखो ये मतलब थोड़ा लंबा था बट था बहुत ही आसान, अगर आप लोग समझ लो तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और उसी तरीके से हम लोग जो है इलेक्जर की बात करें तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इलेक्जर और सिरप जो है काफ़ी बार ऐसे पूछा गया है। तो इलेक्जर की बात करें तो यहाँ पर देखो इलेक्जर हमारा क्लियर एरोमेटिक स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है। अब यहाँ पे देखो मेन डिफरेंस सिरप और इलेक्जर में क्या है, सिरप भी देखो सिरप और इलेक्जर लगभग लगभग सेम होते हैं, बस यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है कि सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है। और दूसरा ये हाइड्रो अल्कोहलिक होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक इस चीज़ को आप लोग समझो, यानी कि हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, और अल्कोहलिक मतलब क्या, अल्कोहल, यानी इसमें हम लोग जो है वाटर के साथ साथ अल्कोहल का भी यूज करते हैं। ठीक है, और यही इलेक्जर को सिरप से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है। अब इलेक्जर की बात करें तो ये हमारे सिरप से लेस स्वीट होता है और लेस विस्कस होता है, यानी सिरप हमारा जो है इलेक्जर की कंपेयर में ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा विस्कस यानी कि ज़्यादा गाढ़ा भी होता है, और जो इलेक्जर है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्वीट और इतना ज़्यादा विस्कस नहीं होता है। अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्जर है उसमें हमारे अल्कोहल की परसेंटेज 4 से लेके 40% तक हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद ये भी हमारा सेल्फ प्रिजर्वेटिव होता है। अब सेल्फ प्रिजर्वेटिव ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, और अल्कोहल आप लोग को पता है कि एक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्जर्स की, तो ये बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है मेडिकेटेड और दूसरा है नॉन मेडिकेटेड। तो बहुत ही सिंपल है, मेडिकेटेड में क्या होगा, मेडिकामेंट होगा, नॉन मेडिकेटेड में नहीं होगा, बस सिंपल। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो इलेक्जर को हम लोग सिंपल डिजोल्यूशन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली हम लोग जो अपना इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जो भी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, इलेक्जर को बनाने के लिए, उसको हम लोग जो है उसके रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं। रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसा इंग्रेडिएंट है वैसा ही सॉल्वेंट लेंगे, यानी अगर मान लो एक्वस इंग्रेडिएंट है तो हम लोग जो है वाटर को सॉल्वेंट लेंगे, अगर मान लो ऑयली इंग्रेडिएंट है तो वो वहाँ पे पानी में तो डिजॉल्व होगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग ऑयली सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेंगे, तो जैसा मतलब हमारा API वैसा सॉल्वेंट। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को ऐड कर देंगे, उसके बाद मिक्सचर को हम लोग जो है डिजायर्ड वॉल्यूम यानी जितना हमें चाहिए उतना बना लेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन को फिल्टर कर लेंगे, और फिल्ट्रेशन के बाद हमें जो है एक क्लियर इलेक्जर मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करें एडिटिव्स की, तो जैसे हम लोगों ने सिरप में देखा था बिल्कुल सेम लगभग लगभग वैसा ही इलेक्जर में भी होता है। लिक्जर में बस क्या होता है, व्हीकल में वहाँ पे सिर्फ वाटर था, यहाँ पे वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें हमारी व्हीकल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं।
और केमिकल स्टेबलाइजर की बात करें तो यहाँ पे हमारा सिट्रिक एसिड वगैरह को हम लोग यूज़ करते हैं इलिक्जर को स्टेबल बनाने के लिए। फिर कलरिंग एजेंट्स में जैसे अमरनाथ, टाटाराजाइन सेम था, ठीक है, लेमन ऑरेंज वहाँ भी एकदम वही था। और प्रिजर्वेटिव की बात करें तो ये भी सेल्फ प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। और पैकिंग की बात करें तो इसको भी हम लोग जो है वेल क्लोज्ड एयर टाइट ग्लास बॉटल में पैक करते हैं। एयर टाइट का मतलब क्या होता है कि उसमें हवा भी नहीं जा पाए, यानी बहुत ज़्यादा टाइट बॉटल हो, ठीक है। और स्टोरेज की बात करें तो इसको भी हम लोग जो है कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करते हैं। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज के बारे में, तो इसके अंदर भी हमारे तीन सब टाइप थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर स्किन के लिए, यानी कि हम लोग जो अपनी स्किन के ऊपरी लेयर पर जिन भी लिक्विड्स को अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा लिनिमेंट्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लिनिमेंट्स की, तो ये हमारे लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं और सेमी सॉलिड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम लोग अपनी स्किन के ऊपरी लेयर पर अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको जो है स्किन में हम लोग फ्रिक्शन और रबिंग के साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग जो है थोड़ा सा अपने स्किन को रब करके और थोड़ा सा मतलब जोर लगा के, ठीक है, जब हम लोग अपने लिनिमेंट्स को स्किन पर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा उसको रब कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको बिल्कुल भी ब्रोकन स्किन पर नहीं अप्लाई करना चाहिए, यानी कि अगर हमारी स्किन कटी फटी है तो वहाँ पर लिनिमेंट्स को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे लिनिमेंट्स का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर आप लोगों को दूँ तो आयोडेक्स आप लोगों ने देखा है, तो देखो हालांकि वो सेमी सॉलिड लिनिमेंट्स है लेकिन लिनिमेंट्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और इसकी लेबलिंग, पैकिंग और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग समझो कि लेबलिंग क्या होती है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लेबलिंग की, तो देखो लेबलिंग क्या होती है, आप लोगों ने कोई दवा देखी होगी तो वहाँ पे पीछे मतलब कुछ ऐसे प्रिकॉशंस वगैरह लिखे रहते हैं ना कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, तो ये सारी टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग लेबलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिनिमेंट्स है उसकी लेबलिंग होती है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और पैकिंग की बात करें तो इसको हम लोग जो है टाइट क्लोज्ड कंटेनर में पैक करते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो इसको हम लोग जो है कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे लोशंस की, तो ये भी हमारे एक लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोशंस को हम लोग जो है बिना किसी फ्रिक्शन या बिना रबिंग के अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लोशंस आप लोग को पता है यार बहुत सारे बॉडी लोशन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वही सब हमारे लोशंस में आ जाते हैं। अब लोशंस को हम लोग जो है जनरली जो है किसी एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जैसे कि अब जैसे कुछ लोशन होते हैं जो बहुत ही लिक्विड होते हैं तो उसको हम लोग जो है कॉटन वगैरह की हेल्प से अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो हमारे मेडिकेटेड लोशंस वगैरह होते हैं। अब इसको भी बिल्कुल भी ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो है इरिटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी लेबलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। पैकिंग की बात करें तो पैक्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। और स्टोर की बात करें तो ये भी स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे हमारी जितनी भी यहाँ पे लिक्विड डोजेस फॉर्म है मोनोफेजिक, तो आप लोग बिल्कुल समझ लो कि लगभग लगभग स्टोरेज सब में सेम है। पैकिंग भी मतलब अपने हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि देखो जैसे लोशन है तो लोशन किस में पैक होगा, मतलब जो है हमारा क्लोज कंटेनर होना चाहिए। तो मतलब यही सारी चीज़ें आप लगभग सब में लिख के आ सकते हो, हर एक के लिए कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और लेबलिंग की बात करें तो देखो जितनी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन है उसमें हम लोग क्या लेबल करेंगे, एक्सटर्नल यूज ओनली, ये तो होगा ही ना सब में, बिल्कुल सेम है, बस वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इतना मत सोचो कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा है, देखो सब एकदम सेम ही है, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। तो अब बात करें हम लोग अपने सेकेंड सब टाइप की, तो ये है हमारा फॉर माउथ, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है हमारा गार्गल्स। तो गार्गल्स की बात करें तो ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जो कि थ्रोट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बने होते हैं, यानी कि हमारे गले में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गई है तो उसको यहाँ पे जो है प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है गार्गल्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो गार्गल होता है ये हमारा जनरली कंसनट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है। और इसको हम लोग जो है यूज़ कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग जो है अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारे गले के ऊपर जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे हम लोग जो है इसको लेके जाते हैं, कुछ देर तक रखते हैं, ठीक है, मतलब रिटेन फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको स्पिट कर देते हैं, ठीक है, यानी इसके बाद हम लोग इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके मेन एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे फिनॉल गार्गल्स हो गए, KCl-O3 गार्गल्स हो गए, ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन गार्गल्स के एग्जांपल हैं। अब इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसको हम लोग जो है एक मतलब रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, ठीक है। लेबलिंग की बात करें तो सिर्फ एक्सटर्नल यूज और नॉट टू बी स्वेलोड। यहाँ पे देखो जो हमारे फॉर माउथ हैं यहाँ पे एक लेबलिंग एक्स्ट्रा आ जाती है नॉट टू बी स्वेलोड, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग इसको अपने माउथ के अंदर तो लेते हैं लेकिन स्वेलो नहीं करते, यानी निगलते नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग को बाहर स्पिट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी यहाँ पे ध्यान देने वाली है। बाकी पैकिंग की बात करें तो यार यहाँ पे मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी तो इसको मैं नोट्स में बाद में सही कर दूंगा। बाकी इसको हम लोग जो है क्लियर फ्लूटेड बॉटल में पैक करते हैं, ठीक है।
और उसी तरीके से हम लोग बात करें अपने माउथ वॉश की, तो माउथ वॉश हमारे एक्वा सॉल्यूशन होते हैं जिनका टेस्ट यहाँ पे लगभग काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, यानी काफ़ी प्लीजेंट टेस्ट होता है। और इसके बाद इसको हम लोग अपनी बक्कल कैविटी को क्लीन करने के लिए और डिओड्राइज करने के लिए, यानी कि बक्कल कैविटी को यहाँ पे साफ करने के लिए और उसको खुशबूदार यानी कि थोड़ा फ्रेग्रेंस देने के लिए हम लोग जो है माउथ वॉश का यूज़ करते हैं। और उसके बाद माउथ वॉश के अंदर हमारी रिफ्रेशिंग एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा रिफ्रेशिंग होते हैं और इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। अब इसके बाद इसको हम लोग जो है डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको जो है हम लोग वाटर के साथ डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ हमारे फेमस माउथ वॉश के एग्जांपल की बात करें तो हमारा जिंक क्लोराइड माउथ वॉश हो गया, ठीक है, फ्लोराइड माउथ वॉश हो गया, तो ये हमारे माउथ वॉश के कुछ फेमस एग्जांपल है। अब इसकी लेवलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी इसको हम लोग जो है नॉट टू बी स्वेलोड, यानी कि इसको जो है निगलना नहीं होता है और उसके बाद सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। और पैकिंग की बात करें तो इसको हम लोग जो है क्लियर फ्लूटेड बॉटल में पैक करते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो हम लोग इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और वहीं पे बात करें हम लोग अपने थ्रोट पेंट्स की, ठीक है, तो ये हमारे विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जिनको यहाँ पे माउथ और थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो जो हमारा गार्गल्स है और जो थ्रोट पेंट है वो लगभग लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे जो थ्रोट पेंट होता है ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, गार्गल्स के कंपेयर में। और इसको हम लोग अपनी माउथ के जो है इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए तो यूज़ करते ही हैं। अब इसको जो है जनरली ग्लिसरीन से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, और ग्लिसरीन क्या करता है, ग्लिसरीन इसको एक स्वीट टेस्ट भी देता है और इसको जो है गाढ़ा बनाने में भी हेल्प करता है, यानी ग्लिसरीन मेक्स इट विस्कस एज वेल एज प्रोवाइड स्वीट टेस्ट। अब इसकी लेबलिंग की बात करें तो वही सेम, फॉर एक्सटर्नल यूज, नॉट टू बी स्वॉलोड, पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, स्टोर एट अ कूल ड्राई प्लेस। और फाइनली बात करें हम लोग अपने थर्ड सब टाइप की, तो ये है हमारा बॉडी कैविटी। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करें यहाँ पे ईयर ड्रॉप्स की, तो ये हमारे लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जो यहाँ पे ईयर में एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं, यानी कि हम लोग अपने ईयर में यूज़ करने के लिए ईयर ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। अब ईयर ड्रॉप्स के अंदर जनरली हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर ग्लिसरॉल और अल्कोहल जैसे सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं। यहाँ पर जो हमारा ईयर ड्रॉप्स होता है उसके लिए हम लोग जो है एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर को नहीं प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ईयर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर का ज़्यादातर पार्ट यहाँ पे थोड़ा ऑयली नेचर का होता है यानी फैटी नेचर का होता है, तो वहाँ पे जो हमारा वाटर है वो उसके साथ अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है ग्लिसरॉल अल्कोहल ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं अपने ईयर ड्रॉप्स को बनाने के लिए। अब ईयर ड्रॉप्स को जनरली हम लोग जो है उनकी क्लींजिंग और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा क्लोरम फेनिकॉल ईयर ड्रॉप्स होता है ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे आई ड्रॉप्स की, तो देखो जैसा इसका सिंपल नाम है आई ड्रॉप, तो इसको हम लोग जो है अपनी आई में एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जनरली हम लोग इसको आई के इन्फेक्शंस वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हमारी एंटीसेप्टिक एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे जनरली कंसेंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे आई ड्रॉप्स में हम लोग जो है एक्वस सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा एट्रोपिन आई ड्रॉप्स इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है। और हम लोग बात करें यहाँ पे नेजल ड्रॉप्स की, तो नेजल ड्रॉप्स जैसा कि इसका नाम है इसको हम लोग जो है अपनी नोज के एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके बाद जनरली हम लोग इसको जो है अपनी नेजल इन्फ्लामेशंस एंड इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेजल इन्फ्लामेशंस क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो नोज है वो रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम लोग नेजल ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर भी हमारी एंटीसेप्टिक और लोकल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा ऑल्ट्रीविन नेजल ड्रॉप्स इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है। अच्छा देखो यहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा सा और सुनते जाओ, यहाँ पे मान लो कि कभी कभी आपसे जैसे हमारा ईयर ड्रॉप्स हो गया, आई ड्रॉप्स हो गया, नेजल ड्रॉप्स हो गया, या फिर हम लोगों ने जो अभी पहले देखा हमारा जैसे हमारा थ्रोट पेंट हो गया, गार्गल्स, माउथ वॉश, अगर इन सबको लॉन्ग में पूछ लिया जाए यानी 7 नंबर में 5 नंबर में, तो इतना तो आप लोग को लिख के आना नहीं है, थोड़ा और लिखना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसमें जो है हमारे एडिटिव्स को ऐड कर सकते हो, यानी कि आप लोग हेडिंग डालना एडिटिव्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म, और उसके बाद जो एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा है उन सबको यहाँ पे लिखाना। क्योंकि देखो एक बात बताओ, है तो ये सारी लिक्विड डोजेज फॉर्म ही ना, तो इसके अंदर जो जो एक्सीपिएंट्स हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर यूज करते हैं वो सारे इनके अंदर भी तो यूज होंगे। तो अगर लॉन्ग में आता है, देखो वैसे तो ये सिर्फ 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन मान लो बाय चांस अगर 7 नंबर में 5 नंबर में इन सबको पूछ लिया गया, देखो सिरप और एलिक्जर को तो मैंने आप लोग को डिटेल में पढ़ा दिया, बट अगर मान लो इन सबको भी पूछा गया तो आप लोग अपनी तरफ से एड ऑन कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यार समझ सकते हो ना आप लोग, उसमें भी जो है लेबलिंग और यहाँ पे स्टोरेज, पैकिंग, इन सबको ऐड कर सकते हो, इससे आप लोग का जो आंसर है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बारे में हम लोग बाद में भी बात करेंगे कि मतलब कॉपी आप लोगों को कैसे लिखनी है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा।
बाकी आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इमोशंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।